भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बैतूल के युवाओं के साथ किया छल। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत बिजली कंपनी में ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले रहे सभी युवाओं ने की शिकायत बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने युवाओं के लिए एक योजना लाई थी, जिसमें सीखो कमाओ योजना के तहत उन्हें नौकरी जॉब दिया गया था, लेकिन एक साल होने के बाद भी अब तक बिजली विभाग में काम कर रहे युवाओं को रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं कराए। छात्रों ने बताया कि उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की थी, जिसके तहत युवा प्रशिक्षण ले रहे थे। उन समस्त प्रशिक्षकों को एक वर्ष प्रशिक्षण लेने के बाद उसी संस्था में नियमित रोजगार मिलने की बात कही थी, लेकिन करीब 11 महीने हो गए हैं और नौकरी का अता पता नहीं है। समस्त छात्र छात्राएं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उनकी उम्र निकलती जा रही है और एक वर्ष भी बर्बाद हो गया, लेकिन बिजली विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं बताया जा रहा है। सभी छात्र छात्राएं जो कि एक साल बर्बाद कर चुके हैं, वे अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जो योजना चालू करी थी उसे नियमित कर उनको रोजगार दिया जाए। ऐसे में उनके पूरे साल बर्बाद होने की संभावना को लेकर उन्होंने बैतूल कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम इस ज्ञापन को दिया जाना बताया गया है। अब देखना ये होगा कि वास्तव में क्या भाजपा की सरकार में ऐसे ही छात्र छात्राएं युवा बेरोजगार ठगे जाएंगे। फिलहाल मामला बैतूल कलेक्टर के पास है, कब तक मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव के पास पहुंचता है ये तो देखने वाली बात होगी। क्या नाम है तुम्हारा? तरुण देशमुख। हाँ तरुण, बताओ क्या मांग है आप लोगों की? हम सभी लोग मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत तो अभी ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने यह बोला था कि एक साल के प्रशिक्षण के बाद आप लोगों को कहीं भी या फिर जहां पर आप कर रहे हो वहां पर नियमित किया जाएगा, परंतु हमारा एक महीने बचा है, नहीं तो कंप्लीट होने वाला है, परंतु सरकार के साइड से इस पे अभी कुछ बोला नहीं गया है। तो हमारी यही मांग है कि जैसा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था कि आपको एक साल बाद नियमित किया जाएगा, वैसे हमारी मांग अब मोहन यादव जी से है जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, कि हमको हम बिजली विभाग से है तो हम जहां पर कार्यरत है अभी प्रशिक्षण ले लिया है और हम लोगों को लगभग सभी चीजों का नॉलेज हो गया है, तो हम लोगों को वहीं पर रेगुलर किया जाए। लगभग 80 से 90 लोग हैं जो कि अभी अपने पूरे बैतूल डीसी में कार्यरत हैं, और अगर जो लोग मुख्यमंत्री जी ने बोला था नियमित करेंगे, तो जो लोग पहले प्राइवेट वगैरह कहीं जॉब करते थे वो सब छोड़ के इस मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में आए हैं। अगर रेगुलर नहीं किया जाता है तो वो उनकी जो पहले जॉब थी वो भी नहीं रहेगी, और करेंटली अभी जहां कर रहे हैं वो भी नहीं रहेगी, तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि आपने एक साल ट्रेनिंग देने के बाद अगर आप बेरोजगार है तो फिर कोई मतलब नहीं एक साल ट्रेनिंग का। इसलिए जो मांग है कि आपने ट्रेनिंग दी है तो उसका कोई युवाओं को मतलब उससे कंपनी क्या बोल रही है? कंपनी तो इस बारे में अभी तक कुछ नहीं बोल रही, कंपनी को तो कुछ पता नहीं है इस बारे में, कुछ आइडिया नहीं है, तो इसलिए हम सीएम से यही मांग करते हैं कि रेगुलर किया जाए सभी। क्या नाम है? मेरा नाम प्रफुल नागले है। प्रफुल, आप सब लोग कहाँ से आए और क्या मांगे, किस लिए आए? हम बैतूल डिस्ट्रिक्ट सारी डीसीओ से है, जितनी भी डीसी है बैतूल में सारी डीसीओ से सारे लोग आए हैं। किस लिए आए, क्या समस्या है? हमारा एक साल पहले मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में चयन हुआ था, जिसमें हमें मतलब ट्रेनिंग के ऊपर रखा गया था, ऑन द जॉब बोलकर रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा बताया गया था कि हमको एक साल के पश्चात नियमित रोजगार जिस डीसी में कर रहे हो वहीं पर दिया जाएगा, या फिर मतलब अगला दूसरी डीसी में भी देंगे तो नियमित रखा जाएगा, यह बोलकर जॉब दी गई थी। उसके बाद में अब हमारा एक महीना बचा है प्राय, तो इसमें हमारे मतलब जो MPP है उनके तरफ से कोई भी मतलब वो नहीं बताया गया कि हमको आगे क्या होगा, हमारा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, इसलिए हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। अभी क्या समस्या हो रही है? अभी समस्या हमारी 2 महीने से तो पेमेंट भी नहीं आई है, मतलब आने जाने का किराया भी हम घर से लेकर करना पड़ रहा है हमको, उसमें भी समस्या आ रही है, और हमारा जो एक साल इसमें हमने दिया है उसका भी हमारे को अभी तक मतलब कुछ वो नहीं पता कि हमारा क्या होगा इस एक साल जो हमने बर्बाद किया उसका,
इसीलिए हम बैतूल कलेक्टर महोदय के पास आए थे। कितने लोग हैं जो अभी कार्यरत हैं? अभी हमारे बैतूल जिले में तो लगभग 90 प्लस लोग हैं और अदर एमपी में भी मतलब बहुत सारे लोग, लगभग 22,000 लोग इस योजना के तहत कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए ये काम बंद हो जाता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? ये अगर कार्य बंद होता है, लगभग एक महीने बाद बंद होना ही है, तो इसके बाद हम सारे लोग बेरोजगार ही होंगे। और क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया था कि एक साल के बाद आपको नियमित रोजगार दिया जाएगा, उस पर अमल हो और हमें नियमित रोजगार दिया जाए।